हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। और हम लेसन 5 लेखन शिक्षण डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था लेखन का अर्थ क्या होता है, लेखन शिक्षण का महत्व क्या होता है, ठीक है, और लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं और इसमें क्या गलतियाँ होती है, इस पर हमने डिस्कस किया था। लेखन शिक्षण की जो विधियाँ थी, रूपरेखा, अनुकरण विधि, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि, जैकटॉट प्रणाली, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, चित्र विधि, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो बालक होते हैं उनको लिखना कैसे सिखाया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि भाषा के जो भिन्न भिन्न अंग है, जैसे कि बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, उनके अच्छा लेखन का कार्य कठिन होता है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भाषा के जो भी भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे कि बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, उनके मतलब अगर हम तुलना करें तो जो लिखना होता है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि लिखते समय हाथ की मांसपेशियों के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। और जिस बालक ने केवल पढ़ना ही सीखा है उसमें अभी इस संतुलन का अभाव होता है, यानी वो लिख नहीं पाता है। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट जो छोटे छोटे बालक होते हैं को देखा होगा कि वो जब क बोलते हैं तो वो क लिखना जानते नहीं है, लेकिन वो अगर क का उच्चारण बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उनसे कहें कि आप क का उच्चारण करो तो वो क का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और प्लस वो अच्छे ढंग से अगर लिख नहीं पाएंगे तो वो क का उच्चारण अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ यही कहा जा रहा है कि बोलना और पढ़ने में जो लिखने की जब कार्य होता है तो उसमें बहुत ही हार्ड लगता है, क्योंकि लिखने के लिए मांसपेशियों के संतुलन की आवश्यकता है। तभी आपने देखा है कि अगर हम बहुत ही अच्छे से लिख पाते हैं जब बालक छोटे होते हैं तो उनका जो हैंड राइटिंग, यानी जो भी वो लाइन खींचते हैं या फिर मात्रा देते हैं, तो वो उनके हाथ से इधर कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। लेकिन जब वही उनका जो मांसपेशियों का संतुलन सही ढंग से हो जाता है, उनकी जो प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो वो बहुत ही अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक लिखने के लिए यह आवश्यक है कि बालक अक्षरों की आकृति का भली प्रकार से निरीक्षण करे और फिर वैसे ही अक्षर लिख सकने में समर्थ हो। बालकों की पाठशालाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनका एक प्रयोजन यह भी होता है कि बालकों के भिन्न भिन्न अंगों की मांसपेशियों में संतुलन स्थापित किया जाए, ठीक है। यानी उनको सबसे पहले तो बताया जाए कि आपको ग कैसे लिखना है, ठीक है, भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो बताना चाहिए। उसके बाद उसको देखकर वो अनुकरण यानी उसी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, और बार बार अगर वो लिखेंगे तो जो उनकी मांसपेशियां हैं उनका संतुलन स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मांसपेशियों के संतुलन स्थापित हो जाने के बाद बालकों को लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक अपने विचार के आधार पर लिखना प्रारंभ करेंगे, न कि आयु के आधार पर। हमने प्रायः देखा है कि यदि किसी शिशु के हाथ में चौक या पेंसिल आदि पड़ जाए तो वह दीवार पर या फर्श पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर और लिखने का प्रयास करता है। और छोटे बालक की इस प्रवृत्ति का लाभ लिखना सिखाने में भी लिया जा सकता है। हम लिखना सिखाने से पहले बालकों को इसी प्रकार की रेखा खिंचवाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा भी होगा, जब उनके अगर हाथ में आपके घर अगर छोटे से बच्चे होंगे तो आप उनके हाथ में पेन दीजिएगा या पेंसिल या कुछ भी जो मतलब कि उससे कुछ लिखा जा सके। तो जब वो पेन या पेंसिल लेते हैं तो एक तो वो होता है कि वो अपने मुंह में डालते हैं और दूसरा कि ये उसको मतलब दीवार या फर्श पे लिखते हैं और मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो आप इसका फायदा उठा के और उनको बता सकते हो कि किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब देखिए, पहले बालकों से सीधी रेखाएं ही खिंचवाई जाएंगी। जैसे कि अगर आप जाएंगे प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले जो आपका लिखाने के जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले तो आप सीधी रेखाएं खिंचवाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ऐसे लाइन है, उसके बाद धीरे धीरे वो करके पहले लाइन खींचेंगे फिर इस तरीके से खींचेंगे, तो आप देख सकते हो कि उन्हें इस तरीके की लाइनिंग खींचना आ जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ वो क बना सकते हैं, ख बना सकते हैं, ग बना सकते हैं, घ बना सकते हैं, ठीक है, म बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर उन्हें लाइनिंग खींचने का अच्छे से ढंग आ जाएगा तो कोई भी वर्ड अच्छा, ठीक है, बहुत ही आसानी से लेटर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर उनसे क्या करना है, फिर उनसे तिरछी रेखाएं खिंचवाई जा सकती है। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले सीधी रेखाएं फिर आपको तिरछी रेखाएं खिंचवाई जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से। अब उसके बाद सीधी हो गई, तिरछी हो गई, तो अब क्या करना चाहिए, तो अंत में वृत्त या अर्धवृत्त और घुंडिया आदि बनवाई जा सकती है ताकि वो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो किस तरीके से वृत्त की तरह, अर्धवृत्त की तरह, घुंडियों जैसे आदि, इस तरीके से आप सभी को सिखाना चाहिए। यानी प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले तो सीधी लाइन, सेकंड तिरछी लाइन और थर्ड आपका वृत्तकार, अर्धवृत्तकार और घुंडिया जैसी आकृति बनवाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आड़ी तिरछी रेखाओं के आधार पर बालकों को लिखना सिखाया जा सकता है और बालक 3 वर्ष की आयु से ही टेढ़ी रेखाएं खींचना प्रारंभ कर सकते हैं। और इन आड़ी तिरछी रेखाओं को खिंचवाने के अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरणों से भी लेखन क्रिया में सहायता ली जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो गत्ते आदि के कटे हुए अक्षर, ठीक है, यानी आप जो भी गत्ते होते हैं उनमें आप दे सकते हो, या कुछ भी ऑब्जेक्ट लकड़ी का भी हो सकता है। फिर आपका रेशमी कपड़ा तथा रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षर, ठीक है, यानी जैसे आपका कपड़ा होता है तो उस पे आप को बना के और उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। फिर अक्षरों के आकार प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़े, किसी धातु आदि पर खुदे हुए अक्षर और धरती पर खुदे हुए अक्षर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने धरती पर देखा भी होगा और जब आप बचपन में होंगे तो आपने बनाया भी होगा, ठीक है, जैसे कि लकड़ी से या फिर किसी से भी अहम इस तरीके से क हो गया या फिर ए हो गया, तो आपने देखा होगा और इस तरीके से आप आसानी से उनको बता सकते हो। बालक इन वस्तुओं को स्पर्श करेंगे और कुछ समय के अभ्यास के पश्चात अक्षरों की आकृति से परिचित होने लगेंगे। इसके अतिरिक्त नीचे लिखी वस्तुओं से भी सहायता ली जा सकती है, जैसे पोती हुई पट्टियां जिनमें कलम या खाड़िया से अभिष्ट अक्षर लिखे जा सकते हैं, छोटे छोटे श्यामपट यानी जिन पर बालक जब चाहे खाड़िया से लिख सके, अच्छा हो यदि श्यामपट पर 1 इंच के वर्गो में विभाजित हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि वर्गो में विभाजित इसी प्रकार की स्लेटे किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी स्कूलों में इसी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि लिखना और सिखाने के संबंध में कुछ नियम है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो बालकों को लिखना सिखाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो, यानी बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, अन्यथा बालक थक जाएंगे तो जो उनकी हैंडराइटिंग होंगी, लेख होंगी, वो अच्छा नहीं होंगी। उसके बाद लेखन सिखाने का भी एक क्रम है, यह क्रम वर्णमाला के क्रम से कुछ भिन्न है। लिखना सिखाते समय पहले वही अक्षर चुना जाए जिसे बालक थोड़े से प्रयास से ही लिख सके और फिर उस वर्ड को थोड़ा सा परिवर्तन करके एक और वर्ड बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मतलब एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। उसके बाद के प्रारंभ में लिखने की गति पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना इस बात पर कि बालक जो जो लिखे ठीक ठाक तथा सुंदर लिखे। यदि बालकों ने सुंदर लिखना सीख लिया तो बाद में वो अपने स्पीड में लिख सकता है। एकदम ही बालकों से छोटे छोटे अक्षर लिखने के लिए न कहे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो बालक होते हैं बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में सिखाए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लिखते हैं तो जो उनका लेख होता है वो अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है, जो संतुलन होता है अच्छे ढंग से नहीं बन पाता है। लेकिन जब आप बड़े से लिखाना सिखाएंगे तो वो आसानी के साथ छोटे छोटे लिख लेंगे और उसमें स्पीड भी आ जाएगी। तो ये रहा कि एकदम बालकों से छोटे छोटे अक्षर लिखने के लिए ना कहा जाए, पहले उन बड़े 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 अक्षर लिखने को दिए जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनमें पर्याप्त अंतर हो और धीरे धीरे अक्षर का आकार अंतर ठीक होने लगेगा। छठा पॉइंट ये कहता है कि वही बालक अच्छा लिख सकेगा जिसमें ठीक पढ़ने की क्षमता होगी।
ठीक है। इसलिए बालकों की पढ़ी हुई वस्तु से ही उनके लेखन का समन्वय कराना चाहिए। जो बात बालक ने पढ़ी हो अथवा जिस विषय पर बालक से बातचीत हो चुकी हो उसे ही लिखवाना चाहिए। सातवां, अच्छा यह होगा कि बालक का नाम ही पहले लिखवाया जाए। इससे बालकों को बड़ी प्रसन्नता होगी और बड़े लोग भी अपने नाम के साथ कोई लेख अथवा कविता छप जाने पर गौरव का अनुभव करते। तो फ्रेंड, ये आपका क्या है, लिखने के समय कुछ सावधानियां आप सभी को बरतना चाहिए और इसी तरीके से आपको लिखना सिखाना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि लिखना सिखाने में ध्यान रखने योग्य बातें। तो वो ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा की दक्षताओं में लेखन का स्थान सुनने बोलने तथा पढ़ने के बाद आता है। ठीक है, यानी सुनने बोलने और पढ़ने के बाद आता है जो शुरुआती होता है उस भाषा में। आगे चलकर सुनना बोलना और पढ़ना साथ साथ चलता है। लिखने का काम करते समय भी हम किसी से बातचीत ही करते हैं। लिखने में अक्षर को अनुरूप बना लेना अनिवार्य है और हाथ के उंगलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने में दक्ष होना जरूरी है। अक्षरों को पढ़ने में कुशल होने पर लिखना आसान होता है, क्योंकि अक्षर की पहचान ध्वनि और आकार मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बन जाते हैं। और पढ़ना और लिखना अलग नहीं है बल्कि साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लिखना सिखाने में अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उनमें सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इनमें जो प्रमुख बातें हैं वो निम्नलिखित है। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो बैठने का ढंग लिखते समय किस तरीके से बैठने का ढंग होना चाहिए, यानी छात्रों को बैठने का ढंग उपयुक्त हो, यानी रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रहे, झुक कर लिखने की आदत न पड़ पाए। इससे अतिरिक्त आंखों पर अधिक बल पड़ता है और यदि चौकी या टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे पर स्टेल या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। यानी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, झुक कर नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद आंखों से कागज की दूरी कितनी होना चाहिए, तो छात्र कागज को आंखों के न तो बिल्कुल पास रखे और न ही बिल्कुल दूर, लगभग 1 फुट की दूर पर रखना जरूरी होता है। अगला है कलम पकड़ने की विधि, यानी पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए और कलम को नीब लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए और कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके और हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। अब देखिए, हाथ की कोहनी शरीर की ओर रहनी चाहिए, इससे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है और लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए और हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरंभ करना हो। अब देखिए सिरोरेखा, तो अक्षर का आवश्यक अंग जो होता है वो सिरोरेखा होता है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए और वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को सीरा रेखा कहते हैं, जो आपका ये वाला होता है, जैसे कि ये आपका जो लाइनिंग होता है, ठीक है, जैसे चाय के ऊपर लाइनिंग लगा है करना, तो ये इसे हम सिरोरेखा कहते हैं। तो वर्णों पर सिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए और सिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई 1/3 निकली होनी चाहिए और वर्ड बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं और वर्ड पर सिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए, यानी जो भी वर्ड है उसका जो सिरोरेखा लगाना चाहिए बाएं से दाएं की ओर, यानी आपका इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आपने मैक्सिमम इस तरीके से देखा होगा, लेकिन बाएं से दाई ओर लगाना चाहिए। अब देखिए लिपि प्रतीक क्या है, तो अनुस्वार हलंत मात्राओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाता है, तो इसलिए लिपि प्रतीक का भी ध्यान देना चाहिए। और जो भी अक्षर हो वो सुडौल हो, इस बात का ध्यान रखिए कि छात्र अक्षर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करे और अक्षर पूरे लिखे जाने चाहिए और अन्यथा वे सुडौल नहीं होंगे तो सभी अक्षरों शब्दों एवं वाक्यों के लिखने का क्रम हिंदी में बाएं से दाएं रहे और अक्षरों की खड़ी रेखाएं तिरछी ना होकर सीधी होनी चाहिए। अब देखिए नमूने उपयुक्त हो, यानी अध्यापक द्वारा बनाए गए अक्षर या शब्द आदर्श हो जिससे कि उनके आधार पर छात्र लिख सके। उसके बाद अभ्यास, यानी लिखना एक कला है अतः लिखने का खूब अभ्यास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। जो सुलेख है, ठीक है, सुलेख प्लस आपका जो
अनुलेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, श्रुतलेख है। तो इसको हम कल सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। थ्री टाइप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लिखने से पहले किस तरीके से सिखाना चाहिए, तो आपने बहुत ही आसानी के साथ उसको समझ लिया, सीख लिया, ठीक है। और आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप उसी के थ्रू पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।